हाँ 5219 का हाई बनाकर अब 5050 के आसपास, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आ रही है। IEX 10% ऊपर है 880 पर। अपनी राय दें जरा अविनाश जी, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर। नहीं इनफैक्ट अनिल जी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मोनोपोली बिजनेस है, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी ने ये बोनस इशू अनाउंस करके और भी सेंटिमेंटली यू नो एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाए। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अभी अगर किसी को एंट्री करनी है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़े, करीबन 170-180 से ये स्टॉक करीबन 900 रुपये तक पहुँचा है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस अभी सस्ते नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है अभी कम बोनस खरीद लीजिए। होपफुली बोनस अच्छा आएगा तो उनका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1.5-1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ऐसे बिजनेस में इनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। 95-98% का मार्केट शेयर है और फिनटेक कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यूएशन महंगे रहेंगे और डेफिनेटली मार्केट्स में इसको ऊपरी लेवल्स पे भी बाइंग आएगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। कोई भी गिरावट है तो खरीदने का मौका माने IEX। फिलहाल 15 मिनट के लिए आपको पड़ेगा रुकना पड़ेगा, पर तब तक ढेरों और स्टॉक्स हैं एक्शन में और ट्रेडिंग का मौका, बता रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी चार्ट कॉर्नर में। बताए सर। दीपांशु, बिगुल चार्ट कॉर्नर का जरूर है, बट ये स्टॉक जो है ओवरवेट पिक है, स्पेशल पिक है, खरीदारी की राय है और एक बेहतरीन रूप से रीरेट होगा। स्टॉक है LNT, इसको मैंने और कुणाल जी ने काफी निचले स्तरों पे भी दिया था, तब हमने 1800 के टारगेट दिए थे और पिक ऑफ द सीरीज में भी दिया था, बट अब ये स्टॉक 2000 की तरफ जा रहा है, 2000 की तरफ जा रहा है, जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डो नॉट मिस है, ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जिस तरह की तेजी हम LNT के टेक्नोलॉजी कंपनीज में देख रहे हैं दीपांशु, उसका जो सीधा फायदा है वो LNT को भी मिलेगा। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, इन स्तरों पर बाय करके चले। 1815 का स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट 1900 रुपए का, दूसरा टारगेट 1935 रुपए का, 1935 के बड़े अग्रेसिव टारगेट के लिए LNT में खरीदारी कराए। अल जी, राकेश जी के खरीदारी करने की राय के अलावा दो और बड़ी वजह जिसकी वजह से चलेगा। जी सर, पहला जो सेंटिमेंटल वजह कि आशु जी ने भी पसंद किया है, तो आशु जी की पसंद के शेयर भी आजकल बड़े जोर से चल रहे हैं, चाहे SBI, डेल्टा और बाकी भी सारे आशु जी हैं। बाद में आशु जी बोले कि दो का ही नाम लिया, बाकी सारे भी एंड अदर्स, ओके, तो ये तो चल ही रहे। उससे बड़ा एक और कारण है दीप, जो लोगों को कम समझ में आ रहा है। देखिए, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LNT फाइनेंस, LNT इंफोटेक, ये सारे LNT की सब्सिडी कंपनीज है, तो इनके ये अगर 10-10%, 15%, 25% बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है LNT की वैल्यू भी तो बढ़नी है। बिल्कुल, तो वो एक और फंडामेंटल फैक्टर भी है जो LNT के फेवर में है, तो उस लिहाज से LNT तगड़े एक्शन में आपको आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक में भरपूर एक्शन है आज के लिए। LNT इन्फोटेक